शव का पीएम कराने 2 दिनों से भटक रहे हैं परिजन। सीसीटीएनएस के चक्कर में उलझा शव परीक्षण। इस वक्त आप देख रहे हैं बुलेट रिपोर्टर, खबर रीवा से। मानिकपुर में सड़क हादसे का शिकार होने के बाद रीवा के संजय गांधी अस्पताल में इलाज करा रहे युवक की 2 दिन पहले मौत हो गई। मौत के बाद शव को मर्चरी में रखवा दिया गया, लेकिन आज तक उस शव का पोस्टमार्टम नहीं हो सका। अब परिजन बेगाने शहर में शव के पोस्टमार्टम होने के इंतजार में भटक रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के मानिकपुर में 4 दिन पहले मृतक राजू प्रजापति सड़क दुर्घटना का शिकार हो गया था, जिसे मानिकपुर अस्पताल से सतना और फिर सतना से रीवा रेफर किया गया था। घायल 14 जुलाई को अस्पताल में भर्ती किया गया, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। मौत के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए मर्चरी में रखा गया, लेकिन आज तीसरा दिन हो गया शव का पोस्टमार्टम नहीं हो सका। परिजन अब परेशान हैं। दरअसल अस्पताल प्रबंधन द्वारा पीएम के लिए सीसीटीएनएस नंबर मांगा जा रहा है। परिजन मानिकपुर थाने जब पहुंचे तो उन्होंने ऐसे किसी नंबर की प्रक्रिया होने से इनकार कर दिया, जिसके बाद अब परिजन पुलिस और अस्पताल प्रबंधन के बीच पिस रहे हैं। महावीर का ये गांव जा रहे थे बरामा, एक घंटे तो हमको हो गए। तो क्या रास्ते से जा रहे, ये मालूम नहीं कि किसी ने मारा है कि या एक्सीडेंट हुआ, इसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं मिली। और इसके बाद हमको हॉस्पिटल से एक छोटा मोबाइल लिए थे, तो उससे ही फ़ोन गया हॉस्पिटल मानिकपुर से कि आपके भाई का एक्सीडेंट हो गया है, आप जितनी जल्दी हो सके तो गाँव में सूचना दीजिए, आ जाइए मानिकपुर। फिर वहाँ से चाचा के लड़के हैं गोपीपुर से, फिर वो आए हैं बड़ी भाभी लोग को लेके, तो वहाँ मानिकपुर से रिफ़र कर दिया गया सोनीपुर, सोनीपुर लेके नहीं गए हैं, इसके बाद सीधे सतना है, सतना से रिफ़र कर दिया गया यहाँ रीवा के लिए। यहाँ पे इनकी मौत हो गई। हाँ, यहाँ पे इनकी मौत हो गई। 2 दिन से बाढ़ पड़ी है, क्या पीएम नहीं हो रहा? नहीं, पीएम नहीं हो रहा। वो जो कागज उधर के लिए मानिकपुर के लिए भेज रहे हैं तो बोल रहे हैं वहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं है सीसीटीएनएस का। जी, मध्य प्रदेश में सीसीटीएनएस लागू है जी, अभी 1 तारीख से लागू हो गया है। यहाँ पे नहीं हो रहा है, पीएम नहीं हो रहा है जी, वहाँ पे नहीं हो रहा। क्या नाम है इसका? मेरा राजेश कुमार प्रजापति। पर आज 24 घंटा से ज़्यादा हो गया बॉडी का, खाली पीएम के खातिर नहीं हो रहा कि वो जो नंबर है ओटीपी का सीसीटीवी तो वहाँ कहते हैं यूपी वाले मानिकपुर के थाने वाले कहते हैं कि हमारे यहाँ कोई सिस्टम नहीं हुई है खत्म, वो जो पुराना था पंचनामा करा के बाजी दे दिया जाती है, यहाँ कोई नंबर नहीं है। आजकल से यही बोल रहे हैं, आज भी बोल रहे हैं। इसका आप पोस्टमार्टम कराने आए हैं, क्या नाम है उनका? राजू नाम है, दामाद। कैसे मौत हुई थी? वो मानिकपुर से जा रहे घरे बराह माफी घर है साइकिल से, तो ये करीबी हाईवे रोड में एक क्रॉसिंग रेलवे स्टेशन है, वहीं पे एक्सीडेंट हुआ था। अभी ये नहीं मालूम है कि कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ। कहाँ, कौन सा जिला लगता है, कौन सा प्रदेश? मानिकपुर लगता है, करीबी जी मानिकपुर। वो नंबर ना आने के कारण आपका पीएम नहीं हो पा जी, नंबर ना आने के कारण नहीं हो पा रहा। कितने दिन से परेशान हैं आप जी? आज हमको तीसरा दिन हो रहा है। 2 दिन जी। आपका नाम क्या है? रामहित प्रजापति, थाना हमारा पनवार माने है, जिला रीवा एमपी लगता है। संबंध किसी से बात हुई यहाँ चौकी प्रबंधन से या अस्पताल प्रबंधन से कि भैया पीएम कब तक नहीं होगा? वहाँ वही मानिकपुर वालों से तो भाई बात होती थी, वो कर रहे थे, जब इनके यहाँ का बात है तो अब यहाँ क्या कुछ कह रहे हैं इनका सर? बोल रहे वही अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि ऐसे मामलों में पुलिस द्वारा लिखित शव परीक्षण का निवेदन किया जाता है, जो नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम न होने की जानकारी अब तक नहीं थी, जल्द से जल्द व्यवस्था बनाकर पोस्टमार्टम करवा दिया जाएगा। तो क्या इसका वजह है और किस तरह की सब आगे व्यवस्था की जा रही है?
नहीं देखिए, हमारे यहाँ पे पीएम के लिए कोई भी डिले नहीं होता है हमारे अस्पताल में। अगर पुलिस का कोई भी रिक्वेस्ट आ जाए तो हम उसका पीएम उसी दिन हो जाता है। बिना पीएम के लिए एक नियम है, जब तक पुलिस हमारे पास एक आवेदन लेके कि इसका पीएम होना है, क्योंकि कोई भी पोस्टमार्टम या मेडिको लीगल कोई भी केस होता है वो पुलिस की कस्टडी में रहता है जब तक कि उसका पीएम नहीं हो जाता है, और उसके पहले पुलिस कस्टडी में है मेडिको लीगल केस। तो पुलिस हमारे पास रिक्वेस्ट लेके भेजती है कि इसका पीएम होना है, चाहे कहीं से भी जिसकी कस्टडी में पुलिस है, तो अगर चाहे वो हमारे पास लाएगा तो हम उसका पीएम कर देते हैं। अभी इसकी अगर कोई ऐसी सूचना नहीं होगी इसलिए हम लोगों ने इसका पीएम नहीं हो पाया। अगर कोई ऐसी परेशानी है तो हमारे चिकित्सक हैं, मैं भी अभी यहाँ पे ही आया हूँ और मैं यहाँ बैठा हूँ, आप पहली बार मेरे को यह सूचना मिल रही है, मैं इसका तुरंत अभी पूछ के जहाँ से भी होगी इसके पुलिस रिक्वेस्ट में अगर देर हो रही है तो मैं उसको तुरंत करवा देता हूँ, उसका पीएम भी हो जाएगा, इसमें कोई देरी नहीं होगी। हमारी तरफ से बिल्कुल, हमारे बिल्कुल, आपका बिल्कुल कहना है ये बहुत ही संवेदनशील बात है और इसमें हमारे चिकित्सक और हमारा अस्पताल और प्रशासन पूरा बिल्कुल विशेष रूप से इस पे है। हमारे निर्देश भी हैं कि कोई भी टेक्निकल इस विषय पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, चाहे कंप्यूटर की हो, CCTNS की हो, कुछ भी हो, अगर कहीं से कोई नेट या कोई गड़बड़ है इस चीज़ को आप ना माने। अगर पुलिस की रिक्वेस्ट है, आपके पास हाथ से भी रिक्वेस्ट देता है, फॉर्म भर के देता है, तो आप उसको माने और उसका तुरंत पीएम करें। अभी क्या, अभी काम बात को किसी से? जी बात किसी से? बिल्कुल, मैं अभी इसका पता कर लेता हूँ और इसका अभी पोस्टमार्टम जल्द से जल्द करवा देता हूँ। अगर सूचना है, नहीं होगी तो मैं पुलिस से भी सूचना बुलवा लेते हैं इसकी, कहाँ से देरी हो रही है, तो उसकी सूचना भी बुलवा के उसका करवा देंगे। बुलेट रिपोर्टर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट रीवा। नए वीडियोस एवं ताज़ी खबरें मिलती रहें इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।